गुलबर्गा शहर के हमनाबाद सर्कल रिंग रोड पर ऑटो ड्राइवर्स की परेशानी को देख गुलबर्गा आम आदमी पार्टी सिटी प्रेसिडेंट सज्जाद अली इनामदार एंड टीम ने कुछ दिन पहले हमनाबाद सर्कल को विजिट कर सिटी कॉरपोरेशन से डिमांड कर रोड पर लगे पोल और ट्रैफिक पुलिस स्टैंड को हटाने की मांग की थी। हमनाबाद सर्कल रिंग रोड पर ऑटो ड्राइवर्स ऑटो स्टैंड की डिमांड कर सज्जाद अली इनामदार से मदद की गुजारिश किए थे। सज्जाद अली इनामदार एंड टीम की कोशिशों से आज हमनाबाद सर्कल रिंग रोड पर पोल्स और ट्रैफिक पुलिस स्टैंड को हटाया गया है, जिससे ऑटो ड्राइवर्स को परेशानी हो रही थी। तमाम ऑटो ड्राइवर्स इस काम को होता देख काफ़ी खुश नजर आए और सज्जाद अली इनामदार एंड टीम का शुक्रिया अदा कर तहनियत पेश की है। सज्जाद अली इनामदार एंड टीम ने इससे पहले भी रेलवे स्टेशन अलन चेक पोस्ट केबीएन दरगाह रोड पर ऑटो ड्राइवर्स के लिए ऑटो स्टैंड की आवाज़ उठाई है। सज्जाद अली इनामदार एंड टीम ने कहा, हमेशा आम आदमी पार्टी आवाम के लिए काम करती आई है और आगे भी आवाम के लिए काम करती रहेगी। आज जैसे कि सज्जाद अली साहब हमको 2 से 2.5 महीने पहले जो वादा करे थे, आज वो काम हमारा मुकम्मिल हुआ। कारपोरेशन से GCP लाए और बोले टिप्पर लेकर कर वो जो है पाइप क्लियर करिए, हमको जगह बना कर दिए, हमको यहाँ लाइन लगा कर ठहरो, कोई भी ऑब्जेक्शन अगर आपको करेंगे तो हमको इत्तला करो, हम आएंगे। हम तहे दिल से तमाम ऑटो वाले जो है सज्जाद अली साहब और आम आदमी पार्टी के शुक्रगुजार हैं कि हमको जो वादा करे थे वो वादा पूरा करके दिए। सज्जाद अली साहब हमारे जो आम आदमी कार्यकर्ता हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने जो वादा करे थे हमारे से, आज वो वादा मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इससे भी बेहतर काम करके दिखाएंगे। तमाम गुलबर्गी के आवाम से गुजारिश है, जो भी फिक्रमंद हैं आम आदमी का साथ दीजिए, आम आदमी को कामयाब बनाइए। हमारे सज्जाद अली साहब को भारी से भारी वोटों से जिताकर गुलबर्गी में एक नाम बनाइए, एक हमें ऐसा कामयाब लीडर चाहिए। आपकी बहुत दिनों की मांग थी ऑटो वाले के यहाँ स्टैंड जो है स्टैंड का अच्छा प्रसार करना, और यहाँ पुलिस का स्टैंड भी था उसको भी हटा दिए। हम हमारी आम आदमी पार्टी जो है सियासत की पार्टी नहीं है, ये राहत देने वाली पार्टी है। हम हमेशा लोगों की राहत चाहते हैं, भलाई चाहते हैं हर किसी का। अगर आम आदमी ऑटो वाले जो है दिल्ली में तख्ता पलटा दिए, यहाँ भी हमको ख्वाहिश है और जो है यहाँ भी आप लोग हमारा तख्ता पलटा देंगे और हम जो है गुलबर्गा को चंडीगढ़ के जैसा बनाएंगे। आप लोग अगर साथ दिए तो हम इतना कहते हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं और ऐसे मौके हमको मिले तो हम हमेशा के लिए आपके ताउन करने के लिए तैयार हैं। मैं सैयद सज्जाद अली इनामदार आम आदमी सिटी प्रेसिडेंट कलबुर्गी। मैंने यहां पर ये हमनाबाद चौरस्ता जो है रिंग रोड की चौरस्ता, यहाँ पर ये इस कॉर्नर में जहाँ से खरगे पंप तक ऑटो जाते हैं, ये ऑटो वालों के लिए बहुत तकलीफ थी। रोड पे आके ठहरे थे, यहाँ पर खंभे डाले थे पहले से, और पुलिस के पोस्ट भी जो है ना वो रोड के कॉर्नर पे ला के रखे थे, इससे ऑटो वालों को बहुत तकलीफ हो रही थी। मैंने कॉरपोरेशन कमिश्नर श्री भुवनेश पाटिल को एक लेटर दिया इस एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए। 2 महीने पहले मैं यहाँ पर वादा किया था ऑटो वालों को, मैं यहाँ पर आपको स्टैंड बना के दूंगा और ये पूरा क्या खंभे एनक्रोचमेंट निकालूंगा। तो आज मैंने कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स को बुलाकर ये खंभे पूरे निकाले हूँ और ऑटो वालों के लिए पूरी सहूलत करके दिया हूँ। ये मेरा वादा था, तो मैंने आज हमनाबाद रिंग रोड का चौक जो है, चौक के लेफ्ट साइड में जो ऑटो ठहरते हैं उनके लिए और तमाम लोगों के लिए, यहाँ पर ऑटो वालों के लिए मैंने आज सहूलत करके दी है। मैं ऑटो वालों का ये मुतालबा पूरा किया हूँ और ऑटो वालों से गुजारिश करता हूँ, हमेशा आप जो है ना लाइन में ठहर कर किसी को तकलीफ न करते हुए आप जो है ना अपने अपने रोजी रोटी का जो है ना इंतज़ाम कर लें, काम कर लें। अगर आपको इस दौरान किसी की तकलीफ होती है, कोई तकलीफ देता है, तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपके लिए हूँ। और दूसरा मेरा वादा है, हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेज़ुद्दीन रहमतुल्लाह के दरगाह के पास का ऑटो स्टैंड बनाने का, वो वहाँ के ऑटो वालों को और वहाँ के आवाम को मैंने वादा किया है। अभी मेरे को वो वादा याद है, उस वादे को मैं पूरा करने में लगा हूँ। वहाँ पर बहुत बड़ी दुश्वारियाँ क्या है, एक पर्दे के पीछे कुछ लोग जो है ना बहुत पावरफुल लोग काम कर रहे हैं पर्दे के पीछे, क्योंकि वहाँ पर ऑटो स्टैंड होने नहीं देना। अब हमारे शहर में देखो हर जगह शहर बस
बसवेश्वर टेम्पल है वहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है ट्रैफिक की, लेकिन हमारे केबीएन दरगाह ख्वाजा बंदा नवाज दरगाह के सामने जो ऑटो वालों को है, टू व्हीलर वालों को है, कार वालों को है, पैदल चलने वालों को है, इतनी तकलीफ है, उतनी तकलीफ शहर में कहीं भी नहीं है। तो मैं कॉरपोरेशन कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर और एसीपी ट्रैफिक सुधा मैडम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ऑलरेडी आपके इंस्पेक्टर साहब शांतिनाथ साहब को बता चुका हूं, इंस्पेक्शन किया हूं और जो है ना एडब्ल्यू कॉरपोरेशन के आगे इंस्पेक्शन किए ख्वाजा बंदा नवाज दरगाह के ऑटो स्टैंड के लिए तक अभी तक वो काम नहीं हुआ, उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है मत करो बोल के। तो मैं बोलता हूँ किसी के प्रेशर को मत देखो, अवाम के तकलीफ को देखो कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर और कॉरपोरेशन कमिश्नर। मैं आपसे विनंती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, अगर एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते से ज़्यादा 15 दिन के अंदर वो ऑटो स्टैंड नहीं हुआ, वहाँ पर डीसी साहब का ऑर्डर है, वो डीसी साहब के ऑर्डर के मुताबिक अगर वहाँ पर ऑटो स्टैंड नहीं करेंगे तो हम हफ्त गुम्बस पे 15 दिन के बाद एग्जैक्ट मंडे के दिन, आज मंडे है, नेक्स्ट मंडे और नेक्स्ट मंडे के दिन जो है ना हम रास्ता रोको करेंगे, एहतजाज करेंगे। जब तक वो ऑटो स्टैंड नहीं होता हम वहाँ से रास्ता रोको बंद नहीं करेंगे, चाहे आप हमको जेल में डालो, चाहे आपको हमको अरेस्ट करो, चाहे आपको हमको कितने दिन, 8 दिन 10 दिन महीना जेल में रखते हैं रखो, लेकिन हमको ऑटो स्टैंड होना, वो कौन सी ताकत है जो रोक दी है उसको, वो जो कौन सी ताकत है वहाँ पर रोकती है, मैं उस ताकत से भी गुजारिश करता हूँ, देखिए अवाम के तकलीफ को अवाम का तकलीफ होने मत दो, सबका काम है हमारा आपका सब लोगों का, सियासत मत करो, सियासत छोड़ दो, पहले अवाम की तकलीफ को हल करो। आम आदमी पार्टी सिर्फ एक ही एजेंडे के साथ चल रही है, अवाम की तकलीफ को दूर करना, फ्री करंट देना, फ्री पानी देना, अच्छे स्कूल देना, बढ़िया तालीम बच्चों को देना हमारे लोगों के, ये हमारा एजेंडा है, दवाखाना देना, दवा देना, सबको फ्री इलाज मिलना, चाहे अमीर हो, गरीब हो, नौकर हो या तो साहब हो, सबको हम जो है ना हर एक का इंसाफ दिलाएंगे, ये आम आदमी पार्टी का एजेंडा है और गुलबर्गा में भी मेरा एजेंडा है। स्टेशन, रेलवे स्टेशन में मैंने बढ़िया काम किया है, वहाँ पर के लोग जो है ना, वहाँ के ऑफिसर आज भी मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं, रेलवे के बड़े बड़े ऑफिसर, सज्जाद साहब आप ऑटो वालों की मदद नहीं करें, हमारी भी मदद करें, ऑटो वाले की भी मदद करें, हम सब आज अच्छे चल रहे हैं, पैसेंजर को भी तकलीफ नहीं है वहाँ पे पहले जो थी। हाँ, ये हमारा हर आदमी की तकलीफ को दूर करना है, अवाम की तकलीफ को दूर। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑटो वालों के पास यहाँ से बसों से उतरते हैं, वो बड़े बुजुर्ग रहते हैं, बड़े रहते हैं, लगेज रहता है, इतने दूर वो वहाँ तक जाके कैसा ठहरेंगे, इसलिए ये ऑटो यहाँ पर ये चौक में से ही जाएंगे, जहाँ से बस से लोग उतरते हैं, ये पूरा खरगे पंप तक जाएंगे, इधर बाजार तक जाएंगे, इधर जिलानाबाद MSK मिल तक जाएंगे, ये तमाम लोगों के सहूलत है। जहाँ भी अगर ऑटो वालों को तकलीफ है तो हमसे रुजू हुई है, हम तुम्हारी तकलीफ को कानून के दायरे में हल करेंगे। अलन चेक पोस्ट का एक मामला है ऑटो का, अभी वहाँ रिंग रोड का ये सर्विस रोड का काम चालू है, वो सर्विस रोड काम का ख़त्म जिस दिन होता है उसी दिन वहाँ पर ऑटो स्टैंड का जो है ना बोर्ड गड़ेगा और वहाँ पर ऑटो स्टैंड बनेगा। इवत्तु कलबुर्गी नगर अहमदाबाद रिंग रोड दल्ली श्रीमान सज्जाद अली इनामदार कलबुर्गी नगर अध्यक्षर मत्तु गुलाम रसूल साहेबर नेतृत्व में ಭಾಳ ತುಂಬ ಈ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳದು ಆಟೋ ಚಾಲಕರದು ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಏನು ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಆಟೋದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಹುಮನಾಬಾದ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ JCB ತಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆದಾಗ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರಂತೆ ಶೋರೂಮ್ ಕೂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಅದೇನಂತಾರೆ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಮುಂದೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಈ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಯಾವಾಗಲೂ ದಿನಾಲು ನಿಮಗೆ 24 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ವಾದ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಟೋ ಚಾಲಕರವರಿಗೆ ನಾವು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನಾಮದಾರ್ ಸಾಹೇಬರ ಒಂದು
ನೇತೃತ್ವದಾಗ ಆಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಏನು ಇದು ಕಾಜಾ ಬಂದೆ ನಮಾಜ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದವರು ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ವಾದದಂತೆ ನಾವು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಎರಡು ಮಾತುಗಳ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಂದಿಸಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚುತ್ತೇನೆ।